of the Pakistan Bar Council, and Mr. Riazat Ali Sahar, who is sitting to my right, has been elected as the Vice Chairman Pakistan Bar Council from Sindh and unopposed, and Mr. Farooq Ash Naik, he has been elected as Chairman Executive Committee of the Pakistan Bar Council. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप दोस्तों ने मुझे इस मनसब पे इलेक्ट किया है। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की, और इस मनसब की जितनी जिम्मेवारियां हैं इंशाल्लाह ताला हम इस पे पूरा उतरेंगे, इस मयार पे उतरेंगे। हमारा सबसे जो पहला है एजेंडा वो है लीगल फ्रेटर्निटी, उसको हम सबसे पहले अवियत जो है ना उसको देंगे। देन लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो पार्ट एंड पार्सल है जुडिशरी की। जुडिशरी एक इदारा है, उसके हम जो है ना सेफ गार्ड हैं, उनकी प्रोटेक्शन ये हमारा जो है अव्वलीन जो है मनसब है। हमें बड़ी तकलीफ होती है इस पॉइंट पे, इस बात पे कि जब किसी सिटिंग जज को क्रिटिसाइज किया जाता है पर्सनली, हम कहते हैं कि नो डाउट कि जजमेंट्स जो है वो क्रिटिसाइज भी हो सकती हैं, वो डिस्कस भी हो सकती हैं। जजेस नहीं होने चाहिए, हर जज का अपना विजडम होता है और अपने विजडम के हिसाब से वो जजमेंट्स आती हैं। तो सबसे पहली मेरी गुजारिश ये होगी कि भाई आप मेहरबानी करके जजेस को पर्सनली क्रिटिसाइज ना करें, उनका अपना विजडम है, उनकी जो जजमेंट्स वगैरह हैं। देन डेमोक्रेसी, उसके लिए हम जो जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उस मुताबिक 8 फरवरी को हते मुमकिन जो है ना हमारी यही है कोशिश, इसमें किसी किस्म का कोई वहम नहीं होना चाहिए। ये हर हाल में होनी चाहिए इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी का जो है ना वो एक ड्यूटी है डेमोक्रेसी की, तो हर हाल में ये भी होनी चाहिए। हम एक दूसरा हमारा यही है। देन बाकी हमारी जुडिशरी लीगल फर्टर्निटी, इसके अलावा हमारा हम सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हम विद इन प्रोफेशन जो है ना वो करेंगे, हमारा जितना भी होगा काम उस हिसाब से। बाकी जो है हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, मजीद वो बताएंगे कि ज्यादा जो है वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे आज इलेक्ट किया चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इज द रेगुलेटरी बॉडी, हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लॉयर्स, तो इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा बोझ आता है कि हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है हमारे वकला भाई जो है उनकी क्या कहते हैं फायदे के लिए, उनके क्या कहते हैं नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम उठाएं जिससे कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको फायदा हो। अगर लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक जो कॉमन लिटिगेंट है उसकी जो मुश्किलात है हमको सामने रखनी है। जब तक के एक कॉमन लिटिगेंट को चीफ जस्टिस या जस्टिस ऑफ डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए रूल ऑफ ऑर्डर भी जरूरी है। रूल ऑफ ऑर्डर लाने के लिए आपने एक कॉमन सिटीजन है जो कि अदालत के अंदर आता है अपने मुश्किलात को लाकर, अपने मसाइल को लाकर, उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं पाकिस्तान बार काउंसिल अलॉन्ग विद द जुडिशरी जो है उनके साथ मिलकर काम करना बड़ा जरूरी है। जजिस के ऊपर भी जैसे कि वकला के ऊपर एक बोझ है, वकला का एक फर्ज है कि वो कॉमन लिटिगेंट को हेल्प करे ताकि उसको गोल मिले, कहते हैं इसी तरह मैं समझता हूं जजिस का भी ऊपर एक बोझ है कि वो एक कॉमन लिटिगेंट का ख्याल करे, और ये जो मुकदमात हैं जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। फ्रिवलेस लिटिगेशन जब ही खत्म होगी कि जब जज साहिबान एक सख्त कदम उठाएंगे कि जिससे कि एक मैसेज जाए कि आपने कोई मुकदमा करना है, तो जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर जान नहीं आप मत आए। इसके लिए मैं समझता हूं कि उनको कॉस्ट इम्पोज करनी बड़ी जरूरी है।
क्योंकि बेअंदाजा इस समय सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। हुआ ये वजह क्या है पेंडिंग होने की, वजह यह है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं, तमाम चारों सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है जजेस की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि सूबों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरिटरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए देयर एन एक्ट, उस एक्ट के अंदर तब्दीली बड़ी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वही 17 जजेस हैं जो कि बेअंदाजा सालों से चले आ रहे हैं, मगर अब हाई कोर्ट के अंदर देखें नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। इसकी वजह से लिटिगेशन जो है हाई कोर्ट की लिटिगेशन के जो फैसले हैं वो ज्यादा हो गए हैं क्योंकि जजेस ज्यादा हैं। जब वो फैसले ज्यादा हो गए हैं वही फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, जब फैसले ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जजेस तो वही 17 है तो वो कोप अप नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है डिस्पोजल, वो बेअंदाजा कर रहे हैं मगर लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है। अब या तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोका जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया जाए। मैं समझता हूं कि जब तक के इंक्रीज नहीं हो सकती थ्रू एन एक्ट, आईन इजाजत देता है एडहॉक जजेस बनाने के लिए, कई बड़े अच्छे जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करूंगा कि अभी जो कुछ वेकेंट हो गई है पोजीशन उनको फुलफिल करने के बाद एडहॉक जजेस लें जो कि रिटायर हो गए हैं, ताकि उनका वो काम जो पेंडिंग पेंडेंसी है वो कम हो। जब तक के जजेस इंक्रीज नहीं होंगे मैं समझता हूं पेंडेंसी खत्म नहीं होगी। और दूसरा ये जो एक रवीत चल पड़ी है कि सियासी मुकदमों को तरजीह दी जाती है और दूसरों मुकदमों को नहीं दी जाती, ये भी गलत है। दूसरे मुकदमा भी इतने इम्पोर्टेंट हैं उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ताकि वो मुकदमा भी खत्म हो। जब तक ये बात नहीं होगी मैं समझता हूं कि एक जो अवाम है जो कॉमन मैन है वो कभी भी जुडिशरी से खुश नहीं होगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी बार काउंसिल को साथ लेके और अपने साथियों को देखे कि इस मुल्क के अंदर सही रूल ऑफ लॉ आ जाए। थैंक यू बहुत बहुत। मतीउल्लाह जान साहब आपने आज अच्छा आज बड़ा लंबा चौड़ा अलामिया भी चल रहा था कि वन चैनल वन पर्सन और फिर वन क्या कहते हैं देख रहे थे। अच्छा साहब ने कहा है तो मैंने जैन में एक सवाल आ गया तो नायक साहब आपसे जी जी जरूर जरूर, क्योंकि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बड़ा पुराना ताल्लुक है, अब आप एक स्टैचूटरी बॉडी की इलेक्टिव कमेटी के चेयरमैन भी हो गए हैं, तो एक तरफ आपकी सियासी जमात है दूसरी तरफ आपकी स्टैचूटरी बॉडी की जिम्मेदारी है, तो आप तरजीह किसकी पॉलिसी को देंगे? देखें जी एज अ जो सियासी जमात होती है उसके अपने मकासद होते हैं, जो स्टैचूटरी जमात है पाकिस्तान बार काउंसिल उसके अपने मकासद हैं, तो अगर इन मकासद को अगर आप सियासी मकासद के साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूं काम नहीं बनेगा। इधर हम बैठ के सियासत नहीं करेंगे, हमको चाहिए वकला की बेहतरी और जुडिशरी की बेहतरी और लॉ की बेहतरी की बात करें, सियासत ना करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है क्योंकि आपकी पार्टी आजादी राय के ऊपर बहुत स्टैंड लेती रही है, बेनजीर भुट्टो भी लेती रही है, आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस तारिक पैसा के बल्ले वाले फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सवाल गलत है आपका। अच्छा एक सवाल सुन रहे हैं सर, अभी जो नेम नौ के बॉडी है इसका मौकफ क्या है? आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो या आपके कहने की जरूरत नहीं है? कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं या आपके कोई अपने मफादात हैं बार काउंसिल के, वो क्या है? बात यह है हुजूर क्या कहते हैं, जहां तक गालियों का ताल्लुक है अगर मेरा बेटा भी मेरे किसी शख्स को गालियों से बात करेगा तो मैं उसको भी तंबी करूंगा। इसी तरह मीडिया की आजादी हमें बहुत अजीज है मगर उसके साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि हर काम जो है कानून के दायरे के अंदर और एक मोरालिटी के दायरे के अंदर की जाए। आपका हक है क्रिटिसाइज करना मगर किसी का हक नहीं है किसी को गाली देने का, और कोई गाली देगा तो फिर कानून अगर हरकत में आएगा तो उसको क्या कहने फेस करना पड़ेगा। मैं इसको मजीद क्लियर करूं, जो मैंने अभी बात कही थी वो यही कही थी, जो सिटिंग जज साहब बैठे हैं जो जजमेंट दे रहे हैं जो फैसला दे रहे हैं
आप बिलाशक उस फैसले को डिस्कस करें, उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन किसी जज के ऊपर पर्सनली जो सिटिंग वो जजमेंट दे रहे हैं उनको आप क्रिटिसाइज अजराय कर नहीं करें, क्योंकि वो उनका अपना विजडम है जिस हिसाब से वो विजडम और अकॉर्डिंग टू लॉ दे रहे हैं, अपने तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करें। यही मेरा वक्फ था। वाइस चेयरमैन साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी साहब की इजाजत से यहां बैठे हुए एक अर्ज करूंगा। गुजारिश ये है कि हम जो आजादी है तनकीद की आजादी उस पर हमेशा खड़े रहे हैं, आईन की पासदारी, कानून की बालादस्ती, लेकिन बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमेशा ये कहा है कि आप मॉब इकट्ठा करके एक पॉपुलर वेव के जरिए कानून और आईन के खिलाफ फैसला दें या लें तो हम उसको अप्रूव नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर फिर जजेस को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और काम करना चाहिए, ना कि उन्हें जजशिप करनी चाहिए, उनको पॉपुलर वेव पे नहीं फैसले देने चाहिए, सियासी फैसले नहीं देने चाहिए, आईन और कानून के मुताबिक फैसले। अच्छा, इस पर एक सवाल है, ये फैसले से जुड़ा है। आपने बात की कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात आप चाहते हैं 8 फरवरी को और ये होने चाहिए, आप उस तारीख के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या वो शफाफ इंतखाबात एक बड़ी सियासी जमात को उसका सिंबल छीनकर बाहर करने के बाद अब मुमकिन रहे हैं? क्या अब वो इंतखाबात शफाफ कहलाएंगे जो 8 फरवरी को होंगे, अगर होंगे तो? सर देखें, दो बातें आपने लफ्ज इस्तेमाल किए छीन कर, मैं समझता हूं सिंपल छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो विजडम है वो ये है कि उन्होंने कानून और आईन के मुताबिक फैसला दिया है, और जब कानून और आईन के मुताबिक फैसला आता है वो अवाम जो है हर अब जो शख्स जो है उस पसंद नहीं करता, मगर जो पब्लिक जस्टिस होती है उसको सब लोग पसंद करते हैं। अब हमको ये फैसला करना है क्या हमको लीगल जस्टिस चाहिए या पब्लिक जस्टिस चाहिए। लीगल जस्टिस के अंदर नुकसान होते हैं और वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, पब्लिक जस्टिस के अंदर फायदे होते हैं मगर वो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब ये वक्त आ गया है अवाम को ये फैसला करना है कि हमें शॉर्ट टर्म जस्टिस चाहिए या लॉन्ग टर्म जस्टिस चाहिए। पुराने वक्त के अंदर भी लॉ ऑफ नेसेसिटी को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म फायदा के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट गया, वर्ष का उसके जो नुकसान आते हैं आज भी हम फील कर रहे हैं उस लॉ ऑफ नेसेसिटी की वजह से। मिलिट्री डिक्टेटर्स को आपने क्या कहते हैं इजाजत दे दी हुकूमत करने के लिए, मार्शल लॉ को आपने का वैलिड कर दिया लॉ ऑफ नेसेसिटी के नीचे, क्या हम वही वक्त चाहते हैं? नहीं। अगर उस फैसले के अंदर कोई कबाहत है, और अब तो क्या कहते हैं रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, बड़ी बेंच के पास जा सकता है, उनको जिनके खिलाफ फैसला आया वो भी अपने सोचे उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या कोताहियां हुई हैं। खाली क्रिटिसाइज करने से फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूं ये जो फैसला है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मशले राह है, आगे जाकर कोई भी ऐसा फेक या फॉल्स इलेक्शंस नहीं कराएगा, क्योंकि जैसे एक शख्स ने कहा कि कौन खड़ा हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है जरदारी साहब के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है फजलुर रहमान के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है क्या कहते हैं असफंजार वली खान के खिलाफ इन द पार्टी इलेक्शंस। तो अब ये वक्त आ गया है, मैं समझता हूं हर 4 या 5 साल में इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 के नीचे इलेक्शंस कराने जरूरी हैं। अब जो भी पार्टी इलेक्शन कराएगी वो सोच समझ कर कराएगी, क्योंकि जमहूरियत पहले पार्टी के अंदर आएगी फिर वो अवाम को जमहूरियत देंगे। खाली ये नहीं है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अब वक्त आ गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हिसाब देना पड़ेगा अपने इलेक्शंस का, कमरे के अंदर बैठ के इलेक्शंस नहीं होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है, अभी कड़वा लग रहा है मगर ये आपको ये मीठा लगेगा इंशाल्लाह, देखेंगे एक वक्त आएगा। थैंक यू। चेयरमैन साहब की एक इंटरेस्टिंग आपके लिए एक हकायक में से, आपको याद होगा मुझे बताया मेरे कलीग्स ने, बहुत बड़ी कमेटी बनी थी इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए, 102 मीटिंग्स हुई। ये प्रोविजन 215 जो है ये पीटीआई के इसरार पे उसे रीड्राफ्ट किया गया था, और उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शंस के ऊपर डायरेक्ट निगरानी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होना चाहिए ताकि मॉक इलेक्शन। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ थे,
आजकल वो नून लीग के साथ इसलिए ये हकीकत है ये जो अरुण साहब ने दो दिन पहले सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट उस हवाले से वकार सेठ साहब की पिटीशन फिक्स होने का मुतालबा किया है, आप भी समझते हैं कि वो केस लगना चाहिए और जो आउट ऑफ टर्न जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको वापस हाईकोर्ट में भेजना चाहिए? देखें ये अब ये है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अपना मसला, जो जजेस काम कर रहे हैं काफी अरसे से काम कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को फैसला करना पड़ेगा क्या ठीक है। हम बिलीव करते हैं सीनियोरिटी के ऊपर, बिल्कुल बिलीव करते हैं सीनियोरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर शख्स जो कोई नौकरी कर रहा होता है या कोई जज होता है ईमानदारी से काम कर रहा होता है हार्ड वर्किंग होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले एलिवेशन मिले। अब ये मैं समझता हूं क्या कहते हैं कोई ऐसा रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन थी एक कस्टम था एक प्रेसिडेंट था जिस पर चल रहा है। अब ये मैं समझता हूं चीफ जस्टिस साहब और उनकी कमेटी डिसाइड करे कि क्या वो जजेस जो के ऑन द बेसिस ये कह करके दे आर बेटर देन द वन जिनको उन्होंने सुपरसीड किया है क्या वो सही है या गलत है, ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब पर छोड़ दिया जाए। इसको बढ़ाते हुए कि जो जुडिशियल कमीशन से रूल्स है वो स्टिल पेंडिंग में हम ये भी इल्तजा करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और जुडिशियल कमीशन से कि वो रूल्स फ्रेम हो जाए फिल फोर हो जाए फाइनलाइज हो जाए और बाय तकमील पे पहुंच जाए उसके लिहाज से उनके मुताबिक जो है वो बाकी एलिवेशन जो है करना चाहिए। यादव साहब आप जो चीफ जस्टिस से हाईकोर्ट के खिलाफ कंप्लेन चलाते रहे हैं अहमद अली शेख जस्टिस साहब के खिलाफ उन पे करप्शन के इल्जाम लगाते रहे हैं आज आप उन इल्जाम पे आपको अफसोस है आप माफी मांगेंगे? नहीं जी नहीं नहीं बिल्कुल मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि वो जो अगर चीफ जस्टिस इसके अहल होते तो वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते।